सो हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है आज की मैं इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ आप बिना एटीएम कार्ड के दोस्तों अपना यहाँ पर फोन पे अकाउंट किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके पास यदि एटीएम कार्ड होता है तो आप इजीली से अपना यूपीआई पिन सब कुछ सेट कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बिना एटीएम कार्ड के फोन पे अकाउंट बनाना सिखाता हूँ मैं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए आधार नंबर लिंकेड विद बैंक। ठीक है दोस्तों, आपका जो भी आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा तो आप इसे किस प्रकार से करते हैं और आपको किस प्रकार से फेल हो जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप आधार से भी पिन वेरीफाई करते हैं तो दोस्तों आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर बता रहा है कि आपका आधार से बैंक अकाउंट आपका लिंक नहीं है, जबकि दोस्तों मेरा आधार से ही बैंक अकाउंट ओपन है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन का फोन पे का लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आप वहाँ से डाउनलोड करोगे तो दोस्तों आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जैसे आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है उसके बाद में एक प्रोसीड का ऑप्शन मिला, प्रोसीड कर देना है। और दोस्तों आपका जो नंबर रहेगा उस पर एक आपको ओटीपी आएगा। ठीक है दोस्तों, ओटीपी आपका ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपको लोकेशन मांगेगा, दोस्तों आपको इसे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में दोस्तों आपको फिर से अलाउ कर देना है। और दोस्तों आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका बहुत सारे बैंक आ रहे हैं, आपको कौन सा बैंक अकाउंट अपना सिलेक्ट करना है, दोस्तों आपको यहाँ पर अलाउ करना है। उसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ से कोई भी अपना बैंक अकाउंट नहीं चूज करने वाला हूँ, आपको यहाँ पर एक स्किप का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ से स्किप कर देना है। जैसे आप स्किप कर दोगे आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ जाओगे। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि आप पहली बार यहाँ पर दोस्तों अपना यहाँ पर फोन पे अकाउंट बना रहे होंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आपको यहाँ पर अपने प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके वहाँ से बैंक अकाउंट को ऐड कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर देख लीजिए इंडिया में जितनी भी बैंक अवेलेबल हैं सारी बैंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना बैंक को सर्च कर लेना है और आपको ऐड कर लेना है। जैसे दोस्तों मैं रहा तो यहाँ पर HDFC बैंक अकाउंट है और दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों केनरा बैंक मिल जाएगा और बैंक ऑफ इंडिया मिल जाएगा। दोस्तों बहुत सारे आपको यहाँ पर बैंक मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर देख लीजिए आपको बहुत सारे बैंक दिख रहे होंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर सर्च का भी एक ऑप्शन मिला है तो आप सर्च करके भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं अपना यहाँ पर HDFC बैंक पर क्लिक किया तो दोस्तों मेरा यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल आ गया, जो मेरा नंबर दोस्तों यहाँ पर लिंक है बैंक अकाउंट से। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे देख लीजिए इजी तरीके से एक दिख रहा होगा सेट UPI पिन का ऑप्शन। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में देख लीजिए मेरा किस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा और किस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आधार से आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ UPI पिन सेट करके। तो दोस्तों मैं यहाँ पर देख लीजिए क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ATM डेबिट कार्ड डिटेल। ठीक है दोस्तों, मेरे को यहाँ पर डेबिट कार्ड को चूज ही नहीं करना है। और दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑथोराइजिंग यूजिंग आधार नंबर। ठीक है दोस्तों, आप मैं यहाँ पर आधार के थ्रू आपको UPI पिन बना करके दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख लिए मैंने एक्सेप्ट प्रोसीड का एक ऑप्शन मिल रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आधार के आपका जो भी है तो दोस्तों वो जो आपका बैंक अकाउंट में नंबर ऐड है और दोस्तों जो आधार में नंबर सेम ही ऐड होना चाहिए, तभी दोस्तों आप यहाँ पर अपना UPI पिन आधार के थ्रू बना पाओगे, किसी को पैसा भेज पाओगे आधार के थ्रू और दोस्तों रिसीव कर पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, आपको यह भी अच्छे से कंफर्म हो जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए एक्सेप्ट का ऑप्शन दिख रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पूरी डिटेल दिख जाएगी सारी, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना, एक्सेप्ट करने के बाद पहले और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपको दिख रहा होगा आधार नंबर। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, पीछे के दो जो भी अंक हैं वो बंद दिख रहे हैं, आगे के दोस्तों आधार के 12 अंक होते हैं, तो दोस्तों आपको फर्स्ट के 6 नंबर डाल देना है। उसके बाद में प्रोसीड कर देना है, आपके नंबर पे एक OTP आएगा, OTP को फिल कर देना है। उसके बाद में दोस्तों फिर देख लीजिएगा एक और OTP आएगा, क्योंकि दोस्तों जो कि ये वाला OTP आएगा आधार का, उसके बाद में दोस्तों आपके बैंक का OTP आएगा। ठीक है, आपको उसे भी डाल करके अच्छे से यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है सारा का सारा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, आपको 3 या 4 OTP आएंगी यहाँ पर, आपको कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है आपका UPI पिन सेट करने का ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, किसी किसी बैंक अकाउंट में दोस्तों 6 अंक का UPI पिन मांगता है और किसी में दोस्तों यहाँ पर 4 अंक का मांगता है। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, आप 4 अंक
बैंक का कोई भी यूपीआई पिन सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कंफर्म पिन कर देना है, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ इजीली तरीके से, और आपको अच्छे से इसी प्रकार से कर देना। उसके बाद में देख लीजिए दोस्तों मेरा यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर एक्टिव हो चुका है, ठीक है। आपको यहाँ पर यदि आप अपना यूपीआई पिन भूल जाते हैं तो आपको रिसेट करना, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा अकाउंट जो कि यहाँ रेडी हो चुका है, मैं अब इसी पैसे भेज सकता हूँ और रिसीव भी कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मेरा बैलेंस किस प्रकार से आपको चेक करना है और क्या करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर चेक बैलेंस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ अपना यूपीआई पिन डाल करके, यहाँ पर मेरा बैलेंस सब कुछ दिखाने लगा, कितना बैलेंस है कितना क्या है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में आपको किस प्रकार से पैसे भेजने हैं, किस प्रकार से रिसीव करने हैं, सब कुछ आपको अदर वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए टू मोबाइल नंबर, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर किसी के मोबाइल नंबर के थ्रू पैसे भेजना चाहते हो तो इजीली तरीके से भेज सकते हो, या फिर बैंक अकाउंट में पैसे भेजना है तो आप भेज सकते हो यहाँ से, या फिर आपको QR से पैसे भेजने हैं तो स्कैन करके भी आप भेज सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जैसे ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने QR को स्कैन किया, और दोस्तों मैं यहाँ पर देख लीजिए कुछ भी अमाउंट भेज सकता हूँ इजीली तरीके से, ठीक है दोस्तों। आप 1 रुपये भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। जैसे मैं यहाँ पर 1 रुपये पहले भेजने वाला हूँ और अपना यहाँ पर UPI पिन डाल दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर कन्फर्म कर दूंगा, मेरा पैसा यहाँ से चला जाएगा जो भी रहेगा अमाउंट, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दिया, देख लीजिए मेरा यहाँ से सक्सेस हो चुका है इजीली तरीके से पेमेंट सक्सेस, ठीक है। मेरा पैसा जा चुका है जो कि दूसरे अकाउंट में मैंने जिस पे QR पे भेजा था, देख लीजिए ऊपर से दे आ गया मैसेज भी कि आपके अकाउंट से इतना रुपए कटा है और इस अकाउंट में पहुंचा है। और दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो के साथ में।